ये चेक करो गाइस कितना सही है और बहुत पीसफुल। और सामने में वो भी ठीक धनत विलेज के सामने। पहले पहले मैं बस में देखता था, नेरवा से जो बसेस आती थी उसमें लिखा था कि धनत। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूं टॉप में। मेरे पीछे देख रहे हो आप पूरा टिकरी का। हाँ सही बोला। तो गाइस भाई अभी चले गए हैं और फिलहाल इनको मैंने बाय बाय कर दिया है। दिन में जाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस बोगधार। अभी बताता हूँ मैं आपको लोकेशन में कुछ बातें करना चाहता हूँ, वो चीज़ें शेयर करता हूँ आपके साथ। तो गाइस काफ़ी टाइम बाद ना मैं नेरवा में ऐसी जगह गया, एक लॉन्ग ट्रिप है मेरा ये टिकरी। और गाइस हर जगह की ना अपनी ब्यूटी होती है, वो महसूस या फील वहीं जाके की जा सकती है, दूर से बस बातें करके नहीं की जा सकती है। आज मैं टिकरी आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और पीछे अभी मार्केट पीछे इसको भी एक्सप्लोर कराएंगे और आसपास का एरिया बताएंगे। यदि कोई टिकरी या शामटा से कोई ब्लॉग देख रहा हो तो प्लीज़ वो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके विलेज की यार इतनी खूबसूरत ब्यूटी है और इस चीज़ को आपको एक्सप्लोर और शेयर करना चाहिए सब लोगों के साथ। तो गाइज अभी जा रहे हैं हम लोग बाजार की तरफ और सामने दिख रहा है आपको ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टिकरी। और ये देखो टिकरी का माहौल कुछ इस तरह का रहता है और बहुत बढ़िया प्लेस है। मैं कह रहा था आपको कि यार किसी भी जगह की ब्यूटी का तभी पता चलता है जब हम वहाँ विजिट करते हैं, नहीं तो ऐसे घर में बैठ के नहीं पता चलता है कि एग्जैक्टली प्लेस कैसा है और वहाँ कैसा माहौल है। और बढ़िया धूप खिली है, हल्के कॉटन कैंडी वाले बादल आए। अभी भाई लोग ले जा रहे हैं चाय पीने, फिलहाल बोगधार जाएंगे, वो मैं आपको बाद में ही बताऊँगा। अभी चलते हैं बस चाय पीने। ये है भाई मेन मार्केट और ये देख सकते हो आप, ये है यार सीन पानी। तो गाइज इट्स टाइम टू से गुड बाय। किसके लिए गुड बाय? मतलब जिनके पास मैं मिलने आया था, जिनके पास मेरा थोड़ा काम था। अभी जा रहा हूँ वापस, अभी चाय पानी लंच वगैरह करके आए। अभी भाई ने बुलाया अपने ऑफिस, उनके ऑफिस जाना है भाई। अभी दिखाता हूँ वहाँ से ऊपर से पूरा व्यू दिखेगा नीचे टिकरी। तो गाइज यहाँ था पार मेरा ऑफिशियल काम यहाँ पे और ये देखो इस तरह का माहौल रहता है यहाँ पे। और अभी जा रहे हैं हम लोग ऊपर बोगधार। अभी नहीं, अभी मैं फिलहाल भाई के पास जा रहा हूँ इस रोड से होके हुए, और थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा ऊपर तक और फिर उनसे मिलते हैं। वो लंच कर रहे हैं, उन्होंने बुलाया है कि ऊपर आ जाओ और फिर चलेंगे बोगधार। गाइज ये है अपर व्यू है टिकरी का, ये जो मतलब मैं टॉप से दे रहा हूँ। यहाँ थोड़े गांव हैं और वैसे तो बहुत बड़ा विलेज है, बट लेकिन जो इकट्ठे एक जगह घर है वो यहाँ पे सामने देव मासु का मंदिर जो आपको दिख रहा है। अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, चढ़ाई चढ़ रहा हूँ। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूं टॉप में। मेरे पीछे देख रहे हो आप पूरा टिकरी गांव है ये गाइस। और यदि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, शेयर कर दीजिए वीडियो को। अभी फ़िलहाल मैं टॉप में पहुंच गया हूं, अभी जाना है भाई इस टॉप में ऊपर। सबसे ब्यूटीफुल जगह है, बहुत लोगों से तारीफ सुनी है बट लेकिन वो तो अब आखिरकार जाके ही पता चलेगा। फिलहाल आ गया भाई का ऑफिस यहाँ पे और यहाँ से मुझे अच्छा लग रहा था पीछे व्यू, तो मैं सोचा क्यों ना यहाँ पे टॉप पे रह के एक वीडियो बना दी जाए। और बिल्कुल अच्छा है यार, बहुत अच्छी वाइब आ रही है। बाकी मैं दिखाता हूँ आपको बीच में। अक्सर गाइस जब मैं ये टिकरी ईड़ा हीरा वॉट एवर जो भी यहाँ पे विलेजेस है बहुत ब्यूटीफुल है, और जब भी मैं अपने बीजमल से देखता हूँ ना तब मुझे एग्जैक्टली नहीं दिखते हैं कि कहाँ क्या है, बट लेकिन यहाँ से अगर बीजमल को देखें ना भाई साफ पता चलता है कि ये सामने बीजमल है, क्योंकि अब मैं रहता भी हूँ तो मुझे वहाँ की लोकेशन के बारे में पता भी और यहाँ से बट क्लियर दिखता है। दिखाता मैं जूम करके आपको, ये देखो ये है भाई बीजमल का पूरा इतना दूर, बट कैमरा में वो चीज़ जस्टिफाई नहीं होती है ना। चलो चलते अभी इस, ये है भाई का ऑफिस। यहाँ किसको मिलता गाइस ऐसा प्लेस जिसकी किस्मत अच्छी हो। देखो कितना सुंदर पूरे चारों ओर की ब्यूटी और ऐसी शांत जगह में, बिल्कुल भी आसपास एक भी घर नहीं है और इतनी सही जगह में ऑफिस। भाई पहले दिख रहा है हमारा देया, अच्छा टॉप में देया ऊपर है, चूड़धार दिख रही है ठीक है, पतली चोटियां चूड़धार ठीक है। उससे इधर गुआवा मेरा अपना एरिया दिख रहा है, पियूत्रा थोड़ा नीचे से, पियूत्रा नीचे है, फिर बीजमल,
फिर ऊपर टॉप में बिजमल है, फिर इधर साइड को हलाऊ आपका शलन है, शलन ये हलाऊ हो गया, ये आपका लोहान हो गया, अच्छा नीचे शटल हो गया, अच्छा फिर आप वहाँ से आओ सीधा आपका चौर चंदन दिखता है सामने यहाँ पे। हाँ जी जी, ये मेरा टिकरी का एरिया है, ये आपका परे कुम्हारला है, अच्छा कुम्हारला के बाद ये आरा है, अच्छा आरा के बाद सामने ये सीधा सा एरिया यहाँ धनत, अच्छा ऊपर टॉप में बोगधार, अच्छा इधर हीरा, नीचे पोषड़ा, अच्छा फिर इधर आपका आएगा नीचे पंजाड़ वाला एरिया, अच्छा फिर आप टिकरी में वापस आ गए। जामठ यहाँ से दिखता नहीं है, अच्छा मठ कौन सा मठ है? जामठ जगह का नाम है, जामठ जगह का नाम है, इस साइड में हमारे बिल्कुल बैक साइड में टॉप में ऊपर है। अच्छा अभी हम आपको बोगधार की सैर करवाएंगे इसके बाद। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बोगधार हम आपको लेके चलते हैं अभी थोड़ा भी। आइए आपको ऑफिस भी दिखाता हूँ। अच्छा दिन की तो गाइज यहाँ पे दिन पे ना बस की सुविधा ये है कि अगर आप सुबह आएंगे तो सुबह भी आई थिंक 8:30 बजे यहाँ के लिए एक बस है, फिर 11 बजे बस है जो मे भी ये वाली बस है। और दिन में कितने बजे जाती है वापिस भैया? वापसी 2:30 बजे यहाँ से निकलेगी, 2:30 बजे यहाँ से वापसी निकलेगी। और यहाँ का जो टोटल रन रहता है ना नेरवा टू टिकरी का वो 30 किलोमीटर मान के चलो आप, है ना, और शिमला से 148 किलोमीटर है। और इसका अल्टीट्यूड मैंने चेक किया तो ये 5700 फीट में है, समथिंग है ना, मीटर में होगा, उससे कंपैरिजन गुणा कर लो या गूगल में चेकआउट कर लो, बाकी एग्जैक्टली तो नहीं बोलता पर अप्रोक्सीमेटली इतना है। जा रहा हूँ आपको भाई के ऑफिस, थोड़ा इलेबोरेट करेंगे भाई के ऑफिस को। बिल्डिंग बहुत प्यारी है, व्यू बहुत प्यारा है, चेक आपको करवाया पहले, अभी चलते हैं भाई के ऑफिस। प्रॉपर लाइटनिंग की सुविधा है, अभी बनी है नई ये बिल्डिंग। और ये देखो भाई यहाँ पे बैठते अपने भाई साहब, खाना हमारा बना हुआ है तो अभी मैंने हाल ही में यहाँ शिफ्ट किया था। ठीक है तो बहुत ही ठंडा है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल कूल है, कूल है अंदर तो लोग यहाँ पे आने में आते हैं मेरे पास अब, क्योंकि मेरा रहन सहन भी यहीं पे है। ठीक है तो सुविधा लोगों को मिल रही है। चलो ठीक है, थैंक यू भैया। गाइस गर्मियाँ थोड़ी थोड़ी बढ़ गई है, पहाड़ों में तो कम ही गर्मी होती है बट लेकिन तब भी लोग बहुत ठंडा पीते हैं यहाँ पे। और भाई ने एक ठंडा दे दिया माउंटेन डू, अभी पीते हैं फिर चलते हैं सीधा इस धार पे, बोगधार यहाँ होगा मे बी या यहाँ होगा ये नहीं एग्जैक्टली पता, भी जाएंगे भाई के साथ। तो गाइस अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि हमें करेंगे यहाँ से हितेश भाई ज्वाइन, और हितेश भाई कौन है ये मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। फिलहाल हितेश भाई की गाड़ी में जाएंगे और बोगधार जो स्टेशन है ना भाई बिल्कुल बढ़िया ब्यूटीफुल सेक्सी स्टेशन है, सबसे तारीफ सुन ली, अब बस जाके ही देखना कि भाई क्या है वहाँ पे एग्जैक्टली, कैसी लोकेशन है, कितना सुंदर है, ये वहाँ जाके पता चलेगा। फिलहाल ये है हितेश भाई की गाड़ी, अभी चलते हैं इसी में। तो गाइस ये अपने हितेश भाई और ये करेंगे ज्वाइन यहाँ से, और भाई हेलो कर रहे हैं आपको। तो गाइज एक बात बता दूं मैं, हितेश भाई है यहाँ के लोकल और ये डेली मतलब कभी कभी वहाँ पे चिल करने जाते हैं, बहुत सही प्लेस है। अभी यही हमें वहाँ की सैर करवाएंगे, अभी चलते हैं और अभी खाते हैं आपको। तो गाइज इस वीडियो में ना आपको बहुत सारे विलेज कवर होने वाले हैं और वीडियो लंबी होगी ये मैं जानता हूँ, बट लेकिन यार जो ब्यूटी है ना, और मैं एक ही बार आऊँ मेरे को बार बार मौका नहीं लगेगा यहाँ आने का, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें एक ही दिन में कवर कर रहा हूँ, एक ही ब्लॉग में डाल रहा हूँ। अब दिखाता हूँ मैं आपको, सामने मैं हूँ अभी ठीक धनत विलेज के सामने। पहले पहले मैं बस में देखता था नेरवा से जो बसेज आती थी उसमें लिखा था कि धनत, और मुझे नहीं था पता एग्जैक्टली किस साइड पड़ता है, और बहुत सारे और भी विलेजेस हैं जैसे मैं पीछे भी वीडियो में बताया। अब सामने से फ्रंट कैम से दिखाता हूँ मैं कि इतना सही व्यू है, और सामने टिकरी और इस साइड धनत है, और जो बोगधार हम जा रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 14-15 किलोमीटर दूर है। अभी बीच में रुके हैं थोड़ा यहाँ लंच वंच करते हैं और उसके बाद चलते हैं यहाँ से सीधा बोगधार। फिलहाल आप देखो धनत विलेज का एक व्यू। तो गाइज अभी आप ये जो सीढ़ी नुमा जो खेत देख रहे हैं सामने, ये है धनत विलेज, और टिकरी जो सामने रह गया और ये है सामने धनत विलेज। हम अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर आगे आ गए हैं और यहाँ से हार्डली अब 11 किलोमीटर रहा होगा बोगधार, यहाँ रुके हम गाड़ी में। और देखो धनत विलेज को मैं एक जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको, जूम इन करके दिखाता हूँ सॉरी, और यहाँ देखना ये सामने का धनत विलेज है, ये देखो। तो गाइज यदि कोई वीडियो धनत से देख रहा हो तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल। अभी चलते हैं यहाँ से बोगधार। थोड़ा
गाइस ये जगह है पेदक, आपने देखा होगा ये नेरवा से आती है बस पेदक, और यहाँ है एग्जैक्टली बस स्टॉप। तो गाइस क्या जगह है, क्या जगह है, क्या जगह है, इसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। बेशक मनाली खूबसूरत है, बहुत सारी जगह खूबसूरत है, बट ये अनएक्सप्लोर्ड जगह है गाइस ये। और पीछे देखो भाई लोग अभी थोड़ी देर रुके हैं मेरे कहने पे, क्योंकि मैंने बोला यार थोड़ा शूट कर लेता हूँ, इतना फॉरेस्ट एरिया है। और पीछे देखो भाई बहुत बढ़िया, और चार अब बोगधार यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर है, पेदक से हम थोड़ा ऊपर आ गए हैं, मतलब ये भी पेदक में पड़ता है बट लेकिन थोड़ा ऊपर आ गए, अभी यहाँ से चलते हैं। और पीछे व्यू चेक करो, आगे बहुत मस्त वीडियो रहने वाली है, इंस्टाग्राम पे रील रूल कैप्चर करेंगे बढ़िया वहाँ पे जाके। अभी चलते हैं यहाँ से, ये देखो अपने भाई लोग रुके हैं परे सामने। तो गाइस व्यू चेक करो पीछे, आ रही है देखो क्या सेक्सी व्यू है भाई। ये एसएस सीमा, अच्छा उत्तराखंड और हिमाचल। नहीं नहीं ये हमारा, ये तो हमारे ये बोगधार हिमाचल में आता है क्या? ये तो परे भी हिमाचल का सीमा है, नीचे पुल के पास। अच्छा अच्छा, तो गाइस मैंने आपको बताया नहीं, हमारे को एक भाई और ज्वाइन कर लिया जिनका नाम है रिंकू भाई। और ये देखो भाई इतना ऑफ रोड करके कि न सही मंदिर है, श्री गुरु महाराज का मंदिर। और आगे जाके पूरा व्यू चेक करवाते हैं आपसे भी, यहीं साइड पे गाड़ी लगा रहे हैं भाई। तो चेक कर रहे हो गाइस, यहाँ लगा दिए सामने भाई ने गाड़ी, और श्री गुरु महाराज का यह मंदिर बन रहा है। और देखो भाई कितना सही ग्राउंड है, और इतने टॉप में, और ऐसी ऑफ रोडिंग करके आए हम लोग। और ये देखो अभी आपसे चेक करवाते हैं, और यहाँ से पूरा बर्फ का व्यू दिखता है भाई सामने। ये देखो आगे ले चलता हूँ, और भाई लोग तीनों भाई लोग आगे हैं, और मैं पीछे पीछे व्लॉगिंग करते चलता हूँ, क्योंकि यार ये ज़रूरी है, और इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दो। अब दिखाता हूँ बढ़िया शॉट आपको, ये देखो भाई। भाई ये कौन सा एरिया दिख रहा है? उत्तराखंड से परे उत्तराखंड का ये शाड़ा है, पीछे निमगा है। अच्छा उत्तराखंड का एरिया, बावर जो सर का एरिया है मैक्सिमम। तो गाइस चेक करो यार ये पूरा उत्तराखंड है भाई, ये कौन सा विलेज है नीचे इन जो पास में? ये हमारा थंगाड़ है, ये आता हिमाचल में है। अच्छा हमारा पटवार खाना बनेगा ये किरण। अच्छा किरण के अंतर्गत आता है ये लास्ट हिमालय दिख रहा है। अच्छा गाइस ये चेक करो यार पूरा हिमालय, हनोल वाला एरिया भी यहाँ से दिखता है पीछे, जो हनोल देमासु मंदिर है ना आपने चेक किया होगा मेरे प्रीवियस ब्लॉग में। और ये देखो भाई मैं जूम करके दिखाता हूँ कितनी हिमालय की कितनी साइड चोटियाँ आ रही है, ये देखो पूरी बर्फ की। यहाँ इस प्लेस को बोगधार बोलते हैं, नीचे ये तितरावली है। अच्छा पार को थंगाड़ है। अच्छा चलो, तो भाई आपको ये एक चीज़ बताता हूँ, जितना आप हाइट पे चढ़ते जाओगे उतने सही ब्यूटीफुल एरियाज आते जाएंगे। इससे आगे भी और एक ब्यूटीफुल स्टेशन है, खैर हमारे पास उतना टाइम नहीं है, बट लेकिन जो यहाँ का व्यू है आप खुद ही चेक कर रहे हो अपनी आंखों से कितना सही है भाई लोग। खैर पीछे पीछे हम थोड़ा बैठेंगे और यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेंगे, ऐसे पीसफुल एरिया में आके ना आपको थोड़ा आधे घंटे हार्डली शांति से बैठ जाओ, आपको बढ़िया एहसास होगा, एक फील होगा आपको कि प्रकृति से आप नज़दीक आपको महसूस होगा। गाइज यहाँ पे ना पहले एक जुबड़ी टाइप का होता था, जुबड़ी में आपको अगर जुबड़ी तो लोकल भाषा में बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसे ग्रास होता था पूरा, अभी यहाँ पे खोदा है, यहाँ पे वॉलीबॉल के टूर्नामेंट होते हैं, और सामने श्री गुरु महाराज का मंदिर है। और ये देखो गाइज ये बात कर रहे थे हम, यहाँ पे पूरा जो ये हिमालय वाला आपको एरिया दिखता है ये जौनसर बाबर में आता है, उसके नीचे हनोल आता है, इसके नीचे त्यूनी आता है, और बाकी यहाँ के विलेजेस के नाम तो आपको बता दिए। ठीक है ठीक है। और ये देखो भाई ने परे गाड़ी अब परे बढ़िया वाली प्लेस में ले जाएंगे, वहाँ बैठेंगे शांति से आराम से थोड़ी देर। ये चेक करो गाइस कितना सही है, और बहुत पीसफुल और बहुत इंजॉय आया इस ट्रिप में, होप आपको भी इतना इंजॉय आया होगा जितना मुझे यहाँ चल के आया है। बट लेकिन तो गाइस
मैं दूर दूर तक देख रहा हूँ, यहाँ पे एक सिर्फ श्री गुरु महाराज का मंदिर है और सामने किसी का घर है। मैं भाई लोगों से पूछता हूँ कि ये घर किसका है और कितने बजे होंगे यार, वो कितना भाग दौड़ से वो बंदा दूर होगा और इतनी शांति में जिसके घर है। बहुत सारी फैसिलिटियाँ नहीं होंगी बट लेकिन मानसिक शांति उस बंदे को जरूर होगी और उसका एक जीवन जो शैली होगी वो बहुत ही यूनिक होगी एज कम्पेरिजन टू जो दुनिया की भाग दौड़ में लगा है। क्यों, आप क्या कहते हो इस बारे में? देख रहे हो गाइज कहाँ तक लाई गाड़ी। अभी मैंने भाई से पूछा, जो ये घर है किसी एक बंदे का है और ये आसपास की ज़मीन भी बंदे की है जो सामने है और बंदा अकेले रहता है, और बाकी क्या है यहाँ, रोड की फैसिलिटी तो बढ़िया है और बाकी क्या चाहिए बंदे को, प्रकृति से नज़दीक है, जुड़ा है। तो गाइज इट्स टाइम टू से गुड बाय फॉर बोगदार और होप आपने ये व्लॉग इंजॉय किया हो। और मेरे साथ ज्वाइन किया था चार भाई, तीन भाई लोगों ने, चौथा मैं था, और बहुत मज़ा आया यहाँ पे और बहुत पीसफुल जगह है। और आने वाले टाइम में ना अब एक पार्क बना और बहुत सारा उसके लिए फंड भी आ गया है, और यदि आपको आना है तो आप नियर बाय नेरवा त्यूनी जहाँ से भी बिलोंग करते हो और आइए और मज़ा लीजिए इस ब्यूटीफुल। तो ये थे अपने साथ रिंकू भाई। रिंकू भाई अपना इंट्रोडक्शन दो बस। कूड़ा बंदे ने घर ले गया है और जो भी यहाँ हमने स्नैक्स वगैरह खाए भाई साथ में ले जा रहे हैं और यहाँ पे गंद ने फैलाए, और आने वाले टाइम मैंने बता दिया आपको पार्क बनने वाला है। और ये हितेश भाई की गाड़ी, आप नंबर चेक कर लो और कभी भी आए तो हितेश भाई आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ बोगधार में, ये आपको एक बढ़िया ट्रिप दे देंगे, आपका खूब इंजॉय हो जाएगा। और इनका एक दो ट्रैकिंग कैंपिंग प्लेस और है यहाँ पे, लोग अक्सर कोविड में यहाँ पे कैंपिंग की थी बंदों ने और काफी टाइम लोग यहाँ स्पेंड किया था उस टाइम। तो गाइस इट्स टाइम टू से गुड बाय फॉर टिकरी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आजकल और भाई ने भी बहुत ही यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी दिखाई। ओके थैंक यू सो मच आज का डे ऑसम बनाने के लिए। और वही पे जाके हम देख सकते हैं और ये आज का डे, तो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब।